शहर में हो रहे विकास कार्य की दुर्गति व वार्ड की समस्या से परेशान भाजपा युवा मोर्चा के रितेश शर्मा ने अपना मुंडन कराकर जताया विरोध। दुर्ग शहर में लगातार हो रहे विकास कार्य के आधे अधूरे काम से नाराज भाजपा युवा मोर्चा के रितेश शर्मा, जो खुद महापौर के वार्ड के नागरिक भी हैं, साथ ही वार्ड की मूलभूत सुविधा की मांग को लेकर लगातार कई बार ज्ञापन व आवेदन भी दिए, किसी प्रकार की जन सुनवाई नहीं होने से आक्रोशित भाजपाई रितेश शर्मा ने सोमवार को दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल के चैम्बर के सामने अपना मुंडन करवाकर अपना विरोध जताया। साथ ही कहा कि इसके बाद भी कोई पहल नहीं होने से आगामी उग्र आंदोलन किए जाने की बातें कही। इस संबंध में भाजपा के पदाधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दुर्ग शहर में आज व्यवस्था अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई है, जिसमें महापौर जी को अवगत कराने के लिए रितेश भाई ने युवा टीम की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अभियान उठाया कि कम से कम उनको सचेत कर दे, नया साल में बधाई भी दे देते हैं और इस बहाने एक साल बचा है इनका कार्यकाल, कम से कम इस कार्यकाल में इनकी अपनी छवि को मेंटेन करने के लिए कम से कम इनके कार्य को अवगत करा दे। और आज जिस सिविल लाइन से लेके आप इंदिरा मार्केट हो, चाहे आप कलेक्ट्रेट के सामने जो चौक हो, इनका विरोध करते हुए हैं। क्योंकि देखो, आप जितनी भी चीज़ का काम निकाले, वर्क ऑर्डर निकाले, आप हर चीज़ में आधा अधूरा है और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जाम लगता है, पानी की व्यवस्था बराबर नहीं है, अगर नाली की सफाई तक नहीं है। आप अपने चीज़ों को बचाने के लिए कम से कम इस चीज़ों को तो प्रोवाइड में ला लो। तीन बच्चों से चल रहा है आज, लगभग 3-3.5 साल हो गए आपको नगर निगम संभाले। आपने कौन से नाली का निर्माण किया, आपने किस सड़क की व्यवस्था देखी, आपने कहाँ पानी पहुंचाया। मैं खुद वार्ड नंबर 32 का निवासी हूँ, माननीय महापौर जी वहाँ के पार्षद हैं। अगर मान लो अभी जाकर के कोई देखे तो नालियाँ साफ नहीं है, रोड बने हैं टेढ़े मेढ़े। आज 8 महीने का एक लंबा समय गुजर गया है उतरी टेम्पो स्टैंड से जेल तिराहा का, दोनों साइड का रोड खोद के रख दिया है, ऐसे बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं। आज शाम अगर मान लो हो तो वहाँ से निकलना दुभर हो चुका है। पटेल चौक को खोदे आज लगभग 1.5 महीना हो गया है। वो दुर्ग शहर नहीं, दुर्ग जिला नहीं, अपितु पूरे दुर्ग संभाग का केंद्र बिंदु। स्थिति इतनी बुरी, इतनी गंदी, या अगर मान लो काम नहीं कर पा रहे हो तो एक बार आप हम लोगों को मीडिया के माध्यम से ये बता दें कि हम काम नहीं करेंगे, हम केवल आराम करने के लिए 5 वर्षों के लिए हम यहाँ आए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।